Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new series, that is the correct use of pronouns. In the previous session we have seen difference between possessive pronouns and possessive adjectives. Today we are going to learn case of the pronouns. आज हम लोग क्या देखेंगे? केस ऑफ द प्रोनाउंस देखेंगे और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द प्रोनाउंस देखेंगे। तो केस ऑफ प्रोनाउन को जानने के लिए हम इसको जानते हैं कौन कौन सी केस बनती है इसके, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके। अ प्रोनाउन can be used as subject, और इस सब्जेक्ट को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। पहला क्या होगा? सब्जेक्ट के रूप में जब यूज होगा तो उसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, ये इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। देन एज एन ऑब्जेक्ट, और ये इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, ओके गाइस। एंड Pronoun can also be used to express possession. to express possession। possession मीन्स होता है ओनरशिप, और इसी possession को जब एक्सप्रेस करेगा तो उसको बोलेंगे possessive pronoun। क्या बोलेंगे? possessive pronoun, possessive case, सॉरी इसको possessive case लिख देते हैं, ठीक है। तो अ प्रोनाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, और जब प्रोनाउन का यूज एन ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और प्रोनाउन का यूज जब पोजीशन शो करने के लिए होगा तो पॉजिटिव केस होगा। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी, जैसे यहां लिखते हैं, हम तीन कॉलम बना लेते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, ये तीन कॉलम हो गए इसके। जैसे इसके अंदर आएगा आई, वी, यू, he, they, she, etc. ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? I, B, U, he, she। इसके अंदर it भी आ सकता है, it, ओके। तो इसके अंदर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हो जाएगा आई का हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी, ठीक है। आई का मी, और वी का अस, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम, दे का देम, सी का हर, इट का इट्स हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, दे, सी, इट, इनका चेंज करेंगे तो मी, अस, यू, हिम, देम, हर, इट्स, ओके। और जब पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा, आई का माई, इसका माइन भी होता है, माई और माइन दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन माई जो होगा ना वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा, इसलिए यहां माई लिखना जरूरी नहीं है, माई नहीं लिखो प्रोनाउन के रूप में, क्या लिखेंगे माइन, माइन, वी का आवर, ही का हिज, दे का देयर, सी का हर्स और इट का इट्स, वही रहता है सेम, ओके गाइस। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं केस ऑफ प्रोनाउंस। केस ऑफ प्रोनाउन को जानने के लिए ये तरीका है कि अ प्रोनाउन कैन बी यूज एज सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव केस, एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस, एंड प्रोनाउन कैन बी ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन, तब क्या होगा वो पॉजिटिव केस हो जाएगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। केस ऑफ द प्रोनाउन, इसके तीन केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस में आएगा आई, वी, यू, ही, दे, सी, इट, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी, अस, यू, हिम, देम, हर, इट्स, और पॉजिटिव केस में आएगा माइन, आवर, हिज, देयर, हर्स, इट्स, ओके गाइस। Let's see some of other facts about the pronouns. Okay guys, now we will see important facts about pronoun. Important facts about pronoun. क्या है important facts? Let's see. First fact is mine, ours, yours, his, hers, and theirs are possessive, sorry, or possessive pronouns. They are used in place of noun, not with nouns. ये जो है ना ये किसी noun के place पे यूज होते हैं, ना कि noun के साथ। कैसे? mine, ours, yours, his, hers and theirs आर पॉजिटिव प्रोनाउन। ये क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की डेफिनेशन में ही हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है, ना कि नाउन के साथ यूज होता है। तो यहां आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल बोलूं, यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बुक इज माइन। अब यही ऐसे मैं लिख दूं, ये ना हो गया फर्स्ट, सेकंड में ऐसे लिख दूं, दिस इज माइन बुक, इज इट करेक्ट? इन दोनों में करेक्ट कौन सा होगा? तो इन दोनों में करेक्ट फर्स्ट वाला है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में माइन लिखा हुआ है और ये प्रोनाउन है। लेकिन यहां माइन इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद नाउन लगा हुआ है, नाउन के साथ यूज ही नहीं होगा। यहां यूज भी होगा तो एडजेक्टिव यूज होगा, माइन, दिस इज माई बुक, ओके गाइस। तो ये अगर यहां पे माइन लिख देंगे, यहां पे माइन लिखेंगे तो इट विल बी रॉन्ग, इट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस, ओके गाइज। तो माइन, आवर्स, योर्स, हिज, hers and theirs are possessive pronouns and they are used in place of noun. ये पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं, नाउन के जगह पे यूज होते हैं, ना कि नाउन के साथ यूज होते हैं, ओके। आई होप इट इज क्लियर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन, और फिर दूसरा मैंने लिखा दिस इज माइन बुक। तो इसमें करेक्ट जो होगा ये फर्स्ट वाला होगा, सेकेंड रॉन्ग है क्योंकि किसी नाउन के साथ ही आएगा नहीं, या माई आएगा नहीं, ओके। Let's see second facts. सेकेंड फैक्ट क्या है? द फॉलोइंग प्रोनाउंस डोंट टेक द एपोस्ट्रोफी। डू यू नो एपोस्ट्रोफी होता है ना, जैसे एपोस्ट्रोफी इसमें लगाते हैं। जैसे मैं लिखूं कि बॉयज मोहन्स, किसी को ओनरशिप बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ओके गाइस, तो इसको आप क्या कह रहा है सेकंड फैक्ट, कह रहा है कि द फॉलोइंग प्रोनाउंस डोंट टेक एपोस्ट्रोफी। ये नीचे लिखे गए प्रोनाउंस एपोस्ट्रोफी नहीं लेते, जैसे आर्स, योर्स, हर्स, इट्स, देयर्स, इनके साथ कभी हम एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते एपोस्ट्रोफी। जैसे आई हैव सीन मेनी टाइम और नंबर ऑफ टाइम आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट द मिस्टेक वाइल राइटिंग द लेटर। और लास्ट में क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं योर्स सिंसियर। दिस इज रॉन्ग आइडिया, इट इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। आपको जो योर्स लिखना है उसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना है, बस सीधे सीधे योर्स लिख देना है। योर्स हो गया, योर्स सिंसियर। ओके गाइस, उसमें आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं, एपोस्ट्रोफी लगाते ही वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे योर्स सिंसियर गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं। आई होप इट इज क्लियर। These are the two facts. Let's some more facts about the pronoun. Okay guys, here are some of the other important facts about the pronoun. Next fact is the complement of the verb be. Verb be का मतलब क्या होता है? You already know, is, am, are, was, were, इसके अंदर इसका मतलब होता है जब बी वर्ब की हम बात करते हैं तो उसके अंदर इनमें से कोई भी हो सकता है, इज बी, एम बी, आर बी, वाज बी, वर बी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज, वर एक्सेट्रा इज ऑलवेज रिटन इन सब्जेक्टिव केस। हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे इट वॉज आई हु डिड इट। अब यहाँ क्या है कि इट वॉज आई। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें, It was me who did it. ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे me नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पे I ही आएगा। हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जब कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होगा प्रोनाउन तो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ओके गाइज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रीपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस में। जैसे प्लीज लेट हिम गो, अब हिम क्या ऑब्जेक्टिव है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें प्लीज प्लीज लेट ही गो ना, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस नहीं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही हो जाता है। प्लीज लेट हिम गो नाउ, प्लीज लेट मी गो नाउ, प्लीज लेट हर, प्लीज लेट हर गो नाउ। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, योर सेल्फ कैन डू इट, ये सही है, या यू कैन डू इट, ये सही है, यू कैन डू इट। अब इन दोनों में आपको देखने से ही पता चलता होगा योर सेल्फ कैन डू इट रॉन्ग, ये सुटेबल नहीं, ये गलत है, सही नीचे वाला। तो इसीलिए हमने आपको फैक्ट बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता। ओके गाइज, आई होप इट इज क्लियर एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड शेयर इट। so that more and more people will be benefited by this. Thank you.